अतीक परिवार पर संकट चालू छे। बे पुत्रो जेल में छे अने बे चिल्ड्रन होम में छे। वहु पण जेल में छे तो परिवार नी पांच महिलाओं फरार छे। एफआईआर हाँ अतीक अहमद अशरफ अने असद मृत्यु पाम्या छे। तो हवे आ परिवार नु शुं थशे? आपने पण जणावी दे कि प्रयागराज नी केवी छवि बनी गई छे। तो शुं हवे प्रयागराज माथी गुनाखोरो ने अंत आवशे? अतीक उपरांत प्रयागराज में अन्य माफियो छे अने आ तमाम प्रश्नों नी चर्चा हाईकोर्ट ना एडवोकेट विजय बहादुर यादव द्वारा करवामां आवी हती। आवो जोईए शुं कही रह्या छे। हमारे साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता विजय बहादुर यादव जी हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि जो अतीक का पूरा ये विषय चल रहा है उसमें अब आगे क्या होगा। यादव जी आप बताएं, ये जो चारों बच्चे अभी कहीं न कहीं वो बंद हैं अंदर, और परिवार की जो चार पांच छह महिलाएं हैं उन पर भी एफआईआर है और उनको भी पुलिस ढूंढ रही है, तो आगे इस परिवार का क्या होगा? आज इलाहाबाद पूरी तरह से एक भयग्रस्त हो चुका है। भयग्रस्त मतलब एक माफिया का या एक अपराधी का, उसके साथ उसके ऊपर जो कार्रवाई की जा रही है, उसके लिए जो किया जा रहा है, कहीं न कहीं उसके परिवार का सब जुड़े हुए थे। इसलिए बिना सबको तलाशे, बिना सबके को साथ में लिए इस पूरी पर्दा पटाक्षेप नहीं होगा। वकील साहब ये बताएं, जब ये अपराधी था, ये गैंगस्टर था, ये माफिया था, जब ये नेता बन गया, चार बार का विधायक बना, एक बार का सांसद बना, तो इसके इस रसूख में, इसके इस अपराध में किस तरह का डेवलपमेंट हुआ, मतलब किस तरह की गति आई है जब ये नेता, एक अपराधी नेता भी जब बन गया? देखिए, एक दौर चला पॉलिटिक्स में, क्योंकि हम राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। हमें लगता है कि कांग्रेस का जो रिजिम समाप्त हुआ उसके बाद एक दौर आया राजनीति में माफियाओं का। उस दौर में यहाँ से अतीक अहमद, वहाँ से मुख्तार अंसारी, पूरे प्रदेश में एक जिला एक माफिया का पैटर्न चला। तो जो क्षेत्रीय पार्टियाँ थीं उन्होंने माफियाओं को पर्दे के पीछे से उठाना शुरू किया राजनीति में, और उनको ले आए और संरक्षण देने लगे, जिसकी वजह से राजनीति में इनका वर्चस्व स्थापित हुआ। तो देखिए साफ साफ वकील साहब ने एक बात बहुत अच्छी कही कि एक बड़ा वृक्ष अपराध का यहाँ गिर चुका है। आने वाले समय में दो तीन पीढ़ियों तक लोग याद करेंगे और शायद प्रयागराज में कोई दूसरा गैंगस्टर या माफिया न पनपे। कैमरामैन अरशद के साथ राघवेंद्र पांडे, इंडिया न्यूज़, प्रयागराज।